नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी विधायक प्रणय प्रभात पांडेय और कलेक्टर अवि प्रसाद ने बुधवार को रीठी विकासखंड के गोदाना जलाशय की क्षतिग्रस्त नहर से पानी के रिसाव से फसलों को हो रहे नुकसान और पानी के व्यर्थ बहाव का जायजा लिया। इसके लिए विधायक और कलेक्टर ने करीब 1 किलोमीटर तक मोटर बाइक की सवारी की और फिर पगडंडियों में चलकर कटीली झाड़ियों में उलझते हुए क्षतिग्रस्त नहर का अवलोकन किया और मौके पर मौजूद किसानों की समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान विधायक प्रणय पांडेय ने बताया कि नहर क्षतिग्रस्त होने के कारण इसका पानी भेड़ा ग्राम तक जा रहा है और व्यर्थ भी हो रहा है। पानी व्यर्थ होने से स्थानीय ग्रामवासियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा स्थल का निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों को समस्या के निराकरण किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या अवश्य हल होगी। विधायक और कलेक्टर ने नया टोला स्थित प्रस्तावित डैम निर्माण स्थल का किया निरीक्षण। बहोरीबंद विधायक प्रणय प्रभात पांडेय एवं ग्रामवासियों के साथ मिलकर कलेक्टर अवि प्रसाद ने नया खेड़ा स्थित ग्राम नया टोला पहुंचकर प्रस्तावित डैम के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित सरपंच द्वारा पूर्व में कराए गए सर्वे की जानकारी प्रदान की गई। विधायक प्रणय प्रभात पांडेय ने कलेक्टर अवि प्रसाद के प्रति जताया आभार। विधायक श्री पांडेय ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज पहली बार इस क्षेत्र में कोई आईएसएस अधिकारी दौरा करने पहुंचे। बाइक में बैठकर 1 किलोमीटर का सफर तय कर मिल के टूटने की समस्या का निरीक्षण किया जाकर अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। गोदाना डैम में कैचमेंट एरिया के साथ सिंचाई एरिया में पानी होने के बाद भी किसानों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर महोदय को अवगत कराने पर तत्काल ही उनके द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया तथा उपस्थित अधिकारियों को पानी के बहाव को रोका जाकर सीपेज की समस्या का निराकरण कराने एवं किसानों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। विधायक श्री पांडेय ने कहा कि जिले के इतने बड़े अधिकारी द्वारा गरीबों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए टू व्हीलर एवं पुलिया से चकर मौके का निरीक्षण किया, समस्या का समाधान कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित करने पर विधायक श्री पांडेय द्वारा कलेक्टर श्री अवि प्रसाद को धन्यवाद प्रेषित किया गया। रिपोर्टर प्रिया दुबे। आज पहली बार कोई अधिकारी यानी कलेक्टर के रूप में इस क्षेत्र में दौरा करने के लिए आज इस डैम की मेड़ पे भी पहुंचे और मेड़ के साथ सामने आप कैनाल देख रहे हैं जिसकी नहर है, वहाँ भी गया और मोटरसाइकिल में बाइक में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर एक आईएएस अधिकारी गया देखने गरीबों की समस्या किसानों की समस्या। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने कलेक्टर साहब का कि जिन्होंने आज थोड़ी सी बात मैंने सुबह ही उनसे कहा कि साहब मैं एक क्षेत्र में दौरे में जा रहा हूँ जिसका गोदाना टैंक जिसका नाम है उसमें उसका जो कैचमेंट एरिया के साथ जो सिंचाई का एरिया है वहाँ के किसान लगभग बहुत परेशान है, पानी होने के बाद भी खेतों में पानी नहीं पहुँच रहा। साहब ने तत्काल कहा कि चलो मैं आता हूँ, आप चलिए अपन चल के देखते हैं और आज उसी तारतम्य कलेक्टर साहब इस टैंक में यहाँ भी आए हैं, यहाँ भी उन्होंने देखा और तत्काल उन्होंने आज आदेश किया कि कैसे भी करके पानी का सीपेज बंद किया जाए, जो पानी बर्बाद जा रहा है उसको रोक के किसानों के हित में उस पानी को कैसे दिया जा सकता है उसकी योजना बना के तत्काल तैयार करके उसको लाभ दिया जाए। और अब हम लोग इसके बाद अभी एक नया टैंक जो स्वीकृत हुआ है उसमें भी कलेक्टर साहब को ले जा रहे हैं कि साहब उसका भी मौका मुआयना कर लें, तो सबसे पहले अपने किसानों को भी सुविधा मिली उसके लिए भी धन्यवाद, सरकार का भी धन्यवाद और सबसे अच्छी चीज़ जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा अधिकारी जिले में होना चाहिए जो थोड़ी सी भी बात को गंभीरता से ले कि हमने कहा कि साहब हमारे डैम में पानी है पर हमको खेत में पानी नहीं मिल रहा और साहब हमारी तत्काल प्रभाव से आज खेत में और खेत नहर की और नहर की पुलिया के ऊपर चढ़ जाए बाइक से आदमी, ऐसे कलेक्टर को भी धन्यवाद, प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ।